बरेली जेल से पूर्व सांसद धनंजय सिंह रिहा हो गया है। हाईकोर्ट से मिली है धनंजय सिंह को जमानत। अपहरण और रंगदारी के मामले में मिली थी सजा। जेल के बाहर लगी समर्थकों की भारी भीड़। कोर्ट ने दी थी 7 साल की सजा। हाईकोर्ट ने सजा को रद्द करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जमानत दे दी थी। इस मामले में धनंजय सिंह को जमानत मिल गई थी। पत्नी श्रीकला के चुनाव प्रचार में होंगे शामिल। जौनपुर से बीएसपी ने बनाया है प्रत्याशी। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, अब धनंजय सिंह जेल से रिहा हो गया है। बीएसपी ने जौनपुर सीट से पत्नी श्रीकला को उम्मीदवार बनाया है। प्रचार प्रसार किया जाएगा। आज सुबह से ही समर्थकों की भारी भीड़ जेल के बाहर नजर आ रही थी। आपको बता दें कि पहले जौनपुर जेल में बंद था धनंजय सिंह, उसके बाद उसे बरेली जेल शिफ्ट किया गया था। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का अजय कश्यप। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अजय, क्या जानकारी आपके पास? जेल से रिहाई हो गई है धनंजय सिंह की? देखिए दिव्या, आपको बता दूं कि बिल्कुल अभी जो जी मीडिया अपने दर्शकों को सबसे पहले बता रहा है कि यहाँ से धनंजय जो है रिहा होकर यहाँ से जा चुके हैं और जी मीडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने सीधे तौर पे बताया है कि यहाँ पर जो मुकदमा उनपे दर्ज हुआ है वो पूरी तरह से फर्जी थे। अगर फर्जी नहीं होता तो शायद उनको जमानत नहीं मिलती। सीधे जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने ये बताया है कि यहाँ बरेली सेंट्रल जेल से रिहा होकर सीधे जौनपुर जाएंगे और वहां जाके जो उनकी पत्नी जो बीएसपी से प्रत्याशी है उनका चुनाव लड़ाए जाएंगे। उनका कहना था सीधे तौर पर कि वहां की जनता जो है उनको बहुत अच्छा मानती है, उनके समर्थन में यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में समर्थक आए थे। जी मीडिया ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि आज सुबह 7 बजे जो है धनंजय यहाँ से रिहा होंगे और उसके बाद कुछ देर बाद ही जो है यहाँ से धनंजय जो रिहा हो चुके हैं, यहाँ से सीधे जौनपुर के लिए अपने समर्थकों के संग 20 से 25 गाड़ियों का काफिला है दिव्या, और यहाँ से वो निकल चुके हैं। जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने ये कहा है कि उनके ऊपर जो अपहरण और लूट का जो मुकदमा लिखा था वो फर्जी था और इस फर्जी के मुकदमे के चलते जो है यहाँ पे उनको यहाँ जेल में लाया गया था। और यहाँ पर उन्होंने ये सीधे तौर पर मीडिया से खास बातचीत में कहा है कि पूरी तरह से फर्जी मुकदमा था और उसके चलते जो उन्हें अब जमानत मिल चुकी है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था और उसी के बिहाव पे जो है उन्हें यहाँ पे आज जमानत मिली है। तो अपने दर्शकों को जानकारी देती हूँ कि यहाँ से अभी क्षण भर में जो है यहाँ से काफिला निकल गया और यहाँ से वाया लखनऊ होते हुए जो है जौनपुर जाएंगे और वहां जाकर जो है अपनी जो श्रीकला जो इनकी पत्नी बीएसपी से प्रत्याशी है उनके जो चुनाव में जो कंपेनिंग है। आप बता रहे हैं कि 20 से 25 गाड़ियों का काफिला था जिसके जरिए जौनपुर के लिए रवाना हुआ है धनंजय सिंह, तो क्या परिवार के सदस्य भी मौजूद थे इस दौरान? देखिए परिवार के कई लोग, उनके चचेरे भाई थे वो यहाँ पे मौजूद थे और उनके संग संग में सैकड़ों की तादाद में जो समर्थक थे वो यहाँ पे मौजूद थे। और सुबह जैसे जिन मीडिया ने अपने दर्शकों को बताया था कि सुबह 3 बजे से सेंट्रल जेल पे जो है समर्थकों का आना शुरू हो गया था और जैसे ही ये सूचना मिली कि हाँ धनंजय जेल से बाहर आ रहे हैं और कुछ ही क्षण बाहर आ जाएंगे तो जेल परिसर के जो बाहर थे वहाँ पे धनंजय के पक्ष में जो है जिंदाबाद के नारे लगाए, तो ऐसे में कहा जा सकता था कि यहाँ पे समर्थन में बड़ा उत्साह था और यहाँ से सीधे जो है वो जौनपुर के लिए वो रवाना। आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि धनंजय सिंह जेल से बाहर आ चुका है और जौनपुर के लिए रवाना हो गया है। इस बीच आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। धनंजय के बाहर आने से जौनपुर में बदलेगा क्या समीकरण, इससे जुड़ी हुई जानकारी देते हैं। जौनपुर सीट पर उनकी पत्नी उम्मीदवार है, राजनीतिक फिजा में बदलाव संभव है। इसके अलावा लड़ाई त्रिकोणीय होने के पूरे आसार बने हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान कृपा शंकर सिंह को होने की संभावना बन रही है। धनंजय सिंह के आने से राजपूत वोट बटेगा, करीब 10% राजपूत वोटर जो है निर्णायक भूमिका में है। कृपा शंकर सिंह को बाहरी होने का भी खतरा है। मुख्य लड़ाई सपा और बीएसपी के बीच मुमकिन है। जौनपुर में करीब 15% एससी वोटर है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार भी इस वक्त जुड़ गए लखनऊ से। तुषार, अब आगे की राह किस तरीके से आप देख रहे हैं धनंजय सिंह की रिहाई के बाद? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो धनंजय सिंह अगर जेल में रहते तो शायद ज्यादा फायदा उसका श्रीकला रेड्डी को पड़ता, क्योंकि धनंजय सिंह का जो सिंपैथी वोट है वो कहीं ना कहीं श्रीकला रेड्डी को फायदा पहुंचा सकता था। लेकिन अब धनंजय सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं। हालांकि आपको बताऊं तो धनंजय सिंह की जो छवि है वो अभी भी बाहुबली माफिया वाली छवि है, वो उससे बाहर नहीं निकल पाए। 1990 से जो शुरुआत हुई उनकी माफियागिरी की वो अभी तक चली आ रही है, अभी तक उस छवि से बाहर नहीं निकले हैं। आज तक अगर बात करें तो 46 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं। लेकिन यूपी की अगर बात करें तो यहां पर एंटी माफिया का माहौल ऑलरेडी बना हुआ है, बुलडोजर यहां पे चलता है। माफिया या तो जेल में रह रहे हैं या तो फिर यूपी छोड़कर बाहर जा चुके हैं। कई बार योगी आदित्यनाथ इसका जिक्र भी कर चुके हैं। ऐसे में
धनंजय सिंह का जेल से बाहर आकर चुनाव प्रचार करना कहीं ना कहीं ये जरूर श्रीकला रेड्डी को बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं पहुंचाएगा। हाँ ये जरूर है कि धनंजय सिंह आएंगे तो बाकी चीजों को मैनेज कर सकेंगे, क्योंकि धनंजय सिंह के पास समर्थक ज्यादा है, यूथ ज्यादा है वहां पर। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो धनंजय सिंह पिछले 5 सालों से लगातार जौनपुर में सक्रिय हैं। पिछली बार अगर देखिए तो वहां से निर्दल चुनाव भी लड़े थे, बसपा, हालांकि वहां से बसपा चुनाव जीत गई थी, लेकिन इसका जो नुकसान पहुंचेगा वो नुकसान कृपा शंकर सिंह को पहुंचेगा, क्योंकि दोनों अगर बात करें धनंजय सिंह की और कृपा शंकर सिंह की तो दोनों एक ही जाति से आते हैं, राजपूत जाति के हैं, और वहां पर जो चुनाव भले ही श्रीकला रेड्डी लड़ रही हैं लेकिन जो पब्लिक के मन में इमेज बनी हुई वो धनंजय सिंह की इमेज बनी हुई है। हालांकि ये बताया जा रहा है, वापस आएंगे आपके पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं धनंजय सिंह जेल से बाहर आता हुआ, और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, समर्थक तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, 20 से 25 गाड़ियों का काफिला बताया जा रहा है जिसके जरिए यहाँ से रवानगी हुई है। जेल के बाहर ही ये समर्थक इंतजार कर रहे थे, सुबह से ही यहाँ डटे हुए थे, और इसके बाद अब पूर्व सांसद धनंजय सिंह जेल से रिहा होकर बाहर आ चुका है, अपनी गाड़ियों के जरिए यहाँ से जौनपुर के लिए रवाना हो गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय कश्यप लगातार बने हुए हैं। अजय, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है, दोनों तरफ समर्थक भी दिख रहे हैं। देखिए अपने दर्शकों को बता दूं, सुबह 3 बजे से जैसा जी मीडिया ने उनके परिवार वालों से बात की, उनके समर्थकों से बात की, तो उनका कहना था कि 3 बजे सुबह यहां पे आ चुके थे। जिस तरह से परवाना जो था कल दोपहर 1:30 बजे आ गए थे, तो आशा थी कि शायद कल शाम को, मतलब जो बीता हुआ शाम था वहां छोड़ दिया जाए, उनको रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन आज सुबह जो है 7 बजे का समय दिया गया कि यहाँ पे उनको रिहा किया जाएगा, लेकिन उससे पहले 3 बजे से यहाँ पे समर्थक जो है जुटना शुरू हो गए थे। लगभग 5 बजे हम जी मीडिया यहाँ पहुंचा था, तो यहाँ देखा था कि हाँ बहुत ज्यादा तादाद में जो है यहाँ पे उसके समर्थक आ गए थे, और इस समय जो है जेल प्रशासन ने उन समर्थकों को पीछे खदेड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज्यादा लगभग 200-300 जो समर्थक थे यहाँ पे एकत्र हो गए थे, तो उन्होंने थोड़ा सा पीछे धकेला। लेकिन जैसे ही धनंजय के आने की आहट हुई कि हाँ कुछ ही क्षणों में जो है धनंजय को बाहर लाया जाए, तो बिल्कुल गेट पे दरवाजे पे उनके समर्थक आ गए थे और जिंदाबाद के नारे लगाने लगे थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि धनंजय के जो समर्थन में जो है सैकड़ों की तादाद पे जो है उसे समर्थक यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने यहाँ पे नारेबाजी करी, और यहाँ से समर्थक उनके जो है संघ में जाके लगभग 20 से 25 गाड़ियों का काफिला था। यहाँ से जी मीडिया से खास बातचीत करी, उन्होंने ये कहा कि यहाँ से सीधे जौनपुर जाएंगे और वहां जाके जो है अपनी पत्नी के समर्थन में चुनाव कैंपेनिंग करेंगे। दिव्या, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं ये ब्लैक गाड़ी तस्वीरों में नजर आ रही है, धनंजय सिंह इसी के अंदर मौजूद था, जेल से रिहा होने के बाद यहां से आगे के लिए रवाना हुआ, और समर्थक दोनों तरफ नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार भी लगातार बने हुए। तुषार, भले ही धनंजय सिंह इस बार चुनाव ना लड़ पाए लेकिन पत्नी को सपोर्ट करने के लिए और जो चुनावी फिजा है उसको बदलने के लिए अब बाहर आ गया। निश्चित तौर पर देखिए चुनावी फिजा जरूर बदलेगी लेकिन बहुत फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अगर धनंजय जेल में रहते तो शायद श्रीकला रेड्डी को ज्यादा फायदा होता, उसका सिंपैथी वोट उनको मिल सकता था, लेकिन अब फिजा जरूर बदलेगी, वहां पर लोग एकत्रित होंगे, यूथ आएंगे, पैसे खर्च होंगे, क्योंकि देखिए अगर वहां की प्रत्याशियों की बात करें तो जो तीनों प्रत्याशी है वो धन बल से बहुत मजबूत है, चाहे वो कृपा शंकर सिंह हो, कृपा शंकर सिंह का एक बड़ा बिजनेस है मुंबई में, वो भी अच्छे खासे पैसे वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो भी अच्छे खासे पैसे वाले हैं। दूसरी तरफ श्रीकला रेड्डी की बात करें तो ये भी अच्छे खासे पैसे वाले। श्रीकला रेड्डी ने एक बयान जरूर कल दिया था कि मैं भले बाहरी हूँ, मैं हिंदी टूटी फूटी समझती हूँ, लेकिन यहाँ पर हम आप मुझे धनंजय समझकर ही वोट करिएगा। यानी कि श्रीकला रेड्डी भले चुनाव मैदान में है, नामांकन वो अपने नाम से कर रहे हैं, लेकिन जो चुनाव है वो धनंजय सिंह के ही नाम पर लड़ रहे हैं। हालांकि 5 साल धनंजय सिंह ने काफी मेहनत की है जौनपुर में, लेकिन बिल्कुल अब देखना होगा किस तरीके का असर आने वाले चुनाव में इसका नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।